आज जो अनशन का क्रम शुरू किया गया था लखनऊ में सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय से, आज उसका अंतिम दिन है। लेकिन आज मैं यहाँ हाथरस आया हूँ। मेधा पाटकर जी हैं साथ में, फैसल खान साहब हैं, एडवोकेट एहतशाम हाशमी हैं दिल्ली से, जो एथली हैं। और हम लोग यहाँ जो हाथरस में घटना हुई है, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार, फिर उसके साथ मारपीट और उसको अस्पताल में जब भर्ती किया गया तो कुछ दिनों के बाद वो मर गई और पुलिस वालों ने उसकी लाश 3 बजे सुबह जलाई, जिससे शक होता है कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। उस दलित लड़की के साथ उसके 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 परिवार के साथ न्याय हो, इसके लिए पूरा देश आज खड़ा है और तमाम लोग अपनी अपनी जगहों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तर भारत से लेके और तमिलनाडु तक। और कई लोग यहाँ आ रहे हैं, उसी क्रम में आज यहाँ हम लोग का आना हुआ, पीड़ित परिवार के साथ अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए। और इसको एक जातीय संघर्ष का रूप दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दलित पक्ष है और दूसरा क्षत्रिय पक्ष है। इस समय क्षत्रिय महासभा के भी लोग आए हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है कि एक जो एक आपराधिक मामला था, जिसमें कि उनको ठीक से कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वो लड़की का शव उसके परिवार को दे दिया जाता तो ये मामला उतना तूल नहीं पकड़ता। लेकिन प्रदेश सरकार की मनमानी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के कारण ऐसा हो रहा है कि यहाँ एक जो एक घटना थी, आपराधिक घटना थी, उसको जातीय संघर्ष का रूप दिया जा रहा है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अब एक तरीके से इनका तरीका हो गया है काम करने का, कि ये कोई भी घटना होती है उसको सांप्रदायिक या जातीय रूप देने की कोशिश करते हैं। और आज का दिन हमने तय किया था सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। जब से ये सरकार आई है तब से, और उसके पहले से ही, बल्कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी जो प्रगतिशील विचार के हैं, जो सांप्रदायिक विचारधारा का विरोध करते हैं, उनको निशाने पे लिया गया। 4 की तो हत्या हुई, कई लोगों को विश्वविद्यालयों से निकाला गया, उनके साथ मारपीट की घटनाओं से लेके ट्रोलिंग तक की घटनाएं हुई, हो रही हैं अभी भी। और जो सबसे बुरी चीज हुई इस देश के साथ, वो ये कि हिंदुओं और मुसलमानों में देश के विभाजन के बाद जो एक दूरी पैदा हो गई थी, जो धीरे धीरे कम हुई थी, उस उनके बीच में खाई पैदा की गई, जिसकी शुरुआत राम जन्मभूमि आंदोलन से हुई, बाबरी मस्जिद के ढाए जाने से। और वो भाजपा की सत्ता में आने के बाद से वो और तेजी से बढ़ी, क्योंकि इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होने लगी। कोई भी मुसलमान गाय को लेके जा रहा है, उसको पीट पीट के मार देना, शक के आधार पे कि किसी ने गाय का मांस खाया है उसको मार डालना। और हिंदू मुस्लिम में अगर शादियां हो तो उसको लव जिहाद का नाम देना, और इस तरह की जो घटनाएं होने लगी, जिसमें कि हद तो तब हो गई जब एक टीवी चैनल ने ये कहा कि इस देश में 14% आबादी वाले मुसलमान, जिनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में मात्र 4% ही होता है, ये कहा गया कि वो अब प्रशासनिक सेवा में भी घुसपैठ कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। तो ये जो एक सांप्रदायिक आधार पे लोगों के मनों में जो एक जहर घोला गया है, इससे जो जो नुकसान हुआ है भारतीय समाज का, इसको ठीक होने में काफी दिन लगेंगे। जो सरकार है वो तो आज है कल चली जाएगी, लेकिन जो नुकसान उसने किया है इस देश के सामाजिक ताने बाने को, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को, उसको ठीक होने में वर्षों लगेंगे। जैसे विभाजन के समय जो एक सांप्रदायिकता की भावना फैली थी, उसको ठीक होने में कई दशक लग गए। और लेकिन बस इसमें अच्छी बात यह है कि निचले स्तर पे समाज के जो विभिन्न जाति धर्मों के लोग साथ में मिलके रहते हैं, काम करते हैं और
कई प्रकार से उनके संबंध होते हैं, खेत किसी का होता है, उस पे मजदूरी कोई और करता है, इस तरह के जो आपसी निर्भरता के संबंध है वो अपनी जगह कायम है, उनको राजनीति ने बहुत प्रभावित नहीं किया है, बस सांत्वना की बात यही है। लेकिन जिस तरह से अब खुल के सांप्रदायिक या जातीय आधार पर राजनीति होती है वो वाकई में एक चिंता का विषय है, और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया और इस तरह के तमाम संगठन और लोग जो प्रगतिशील विचार को मानते हैं, जो मानते हैं कि समाज में शांति होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, वो अपने प्रयासों में लगे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अंततः शांति और सद्भावना वाली शक्तियां ही विजयी होंगी और उनकी बात ही समाज में चलेगी। समाज में नफरत और बांटने वाली जो बातें हैं वो अंततः लोग उनको दरकिनार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।